अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन आलू करी। इसे हम झटपट प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे 500 ग्राम मटन। मटन को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़ी कटी हुई प्याज, 2 मीडियम साइज़ की टमाटो प्यूरी और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 5 से 6 हरी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। मिर्ची अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मटन मसाला। यहाँ पे मैंने लिया है कुछ साबुत गरम मसाले, 10 से 12 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून जीरा, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, 4 टेबलस्पून ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। इसे मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर ले। अब इसमें डालेंगे 2 गिलास जितना पानी। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे गैस पे रख देंगे। हाई फ्लेम पे 1 सीटी ले लेंगे, मीडियम फ्लेम पे 5 सीटी ले लेंगे। मटन को पकते हुए 5 से 6 सीटी हो गई है। अब हम इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू और थोड़े से कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता डालना ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स कर ले और इसे हाई फ्लेम पे 1 सीटी लेके गैस को बंद कर देंगे। इसी के प्रेशर में इसे 10 मिनट के लिए छोड़ के फिर गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसे राइस, रोटी, पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।